अब ये सीरियल आप याद रखें, जब बाहर से आप अंदर की ओर जाएंगे एयर में, किसमें, एयर में, कान में, MIS इसको याद रखें, पहले आपको मिलेगा मेलस, फिर मिलेगा आपको इनकस, फिर आपको मिलेगा स्टेप्स, ये सीरियल है ठीक। अब अगर इनसाइड से आउटसाइड आप आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा स्टेपस ठीक। तो चीजों को बहुत ढंग से पढ़िए कि वो कैसे भी घुमा के पूछे फिर भी आप उसका आंसर दे ले जाए। एक्सल स्केल्टन सिस्टम में इतना हम लोग जान चुके हैं कि स्कल में कितने बोन्स होते हैं, हेड में कितने बोन होते हैं। आज उसी के सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे फेसियल बोन। फेसियल बोन वो बोन जो सिर्फ फेस में पाई जाती है उसको हम बोलते हैं फेसियल बोन। ये होती कितनी है, ये होती है 14, 14 बोन होती है फेस में। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, स्कल में कितनी बोन होती थी, होती है 22, 8 हम पढ़ चुके। 8 ये बोन कहां पाई जाती है, हमारे ब्रेन बॉक्स में, उसी को हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम को ही हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। तो अब आइए फेसियल बोन की हम बात करें कि फेसियल में, फेस में कितने बोन होते हैं, 14 होते हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, आप फटाफट हम उसको सीख लेते हैं। एज वी ग्रो बोन्स आर कंबाइंड, किसके, फेस के, फेस के बोन कंबाइंड हो जाते हैं और इसी वजह से हमारा फेस क्या होता, चेंज्ड हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेजल बोन। नेजल बोन कितने होते हैं, नेजल बोन 2 होते हैं। कहां पाए जाते हैं, नोज में। कौन कौन सा, ये आप देखें, ये किए इधर और ये किए इधर, यहां ये वाली बोन क्या कहलाती है, नेजल बोन। नेजल बोन क्या बनाती है, नेजल बोन मेक्स नेजल ब्रिज। अगर कभी आए कि नेजल ब्रिज कौन बनाता है तो आप बोल देंगे नेजल बोन्स। नेक्स्ट क्या है, इट मेक्स नेजल ब्रिज ठीक। अब आता है मैक्सिला। मैक्सिला किसको बोलते हैं, कौन सी बोन है मैक्सिला, ये देखो, ये मैक्सिला देखो नेजल ब्रिज से कनेक्टेड, जितने येलो कलर की है ये कौन सी बोन है, ये मैक्सिला है। मतलब मैक्सिला हमारे यहां से लेकर के और यहां तक पाई जाती है ठीक है। तो मैक्सिला कितना है, 2 है। मैक्सिला की खासियत क्या है, मैक्सिला सब फेस के सभी बोन से ज्वाइंट होती है। मैक्सिला फेस के सभी बोन से ज्वाइंट होती है। सेकंड क्या है, मैंडिबल बोन। मैंडिबल 1 बोन होती है, ये कौन सी है, ये देखिए पर्पल कलर की है, इसको बोलते हैं मैंडिबल। ये कहां पाई जाती है, लोअर जा, या यूं कह लें कि लोअर जा की जो बोन है वो मैंडिबल बोन है। तो मैंडिबल बोन सबसे स्ट्रांगेस्ट बोन होती है। तो हम लोग कितने बोन पढ़ चुके हैं, नेजल बोन हमने जान लिया, मैक्सिला 2 होती है, मैंडिबल 1 होती है। एक चीज आप जान लें कि मैक्सिला और मैंडिबल ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं होते, मैक्सिला और मैंडिबल आपस में ज्वाइंट नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन्स कौन सा है, ये हमारी ग्रीन कलर की बोन है, ये वाली बोन, ये, इसको हम लोग चीक बोन भी बोलते हैं। कौन सी बोन बोलते हैं, चिक बोन बोलते हैं ठीक। अब आता है लेक्राइमल बोन्स। लेक्राइमल बोन कितनी है, 2 है। तो लेक्राइमल बोन्स ये यहां पाई जाते हैं, आईज के जस्ट डाउन यहां ठीक, जहां से आपके टीयर्स निकलते हैं। लेक्राइमल बोन्स कहां पाई जाती है, जहां से आपके टीयर्स निकलते हैं। अब बताते चले आपको एक बात कि टीयर्स कहां से निकलती है, लेक्राइमल ग्लैंड से। तो लेक्राइमल ग्लैंड से हमारी टीयर्स निकलती है और वहीं पाया जाता है लेक्राइमल बोन। ये देखो ये लेक्राइमल बोन है। तो कितने लेक्राइमल बोन है, 2 लेक्राइमल बोन है, इतना हो गया। अब आगे चलते हैं, कितने बोन हम पढ़ चुके, देखो 2 ये 2 4 5 7 9 बोन हम फेस के पढ़ चुके। अब अभी हमको कितना और पढ़ना है, इसमें 5 बोन्स अगर हम और पढ़ लें, जान लें, तो हमारा 14 पूरा हो जाएगा। अब देखो क्या है, प्लेटाइन बोन। प्लेटाइन बोन कितनी होती है, 2 होती है। प्लेटाइन का मतलब तालू, अंदर की तरफ, जिसको हम लोग तालू बोलते हैं, यहां वाला नहीं, अंदर, अंदर की तरफ जो होता है उसको हम प्लेटाइन बोन बोलते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि प्लेटाइन बोन कहां पाया जाता है। पहले आप इसको जान लें कितनी होती है, 2 होती है। इट मेक्स रूफ इन द माउथ। आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह कहां होता, प्लेटाइन बोन मेक्स रूफ इन द माउथ। तो 2 ये भी हो गया। अब आता है इंफीरियर नेजल कोग का।
इंफीरियर नेजल कोन का वो कितना होता है, वो 2 होता है। यहां यहां इस साइड में पाया जाता है, ये देखो ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर की है इंफीरियर नोजल कोन का। नेक्स्ट क्या है, ओमर, ये सबसे इजी है। ओमर कहां है, ये ब्लू कलर की, ये भी नोज में पाई जाती है। अब हमको इसको कैसे याद रखेंगे, आपको दिखा देते हैं। ये आपकी है प्लेटाइन बोन, रेड कलर की ये है प्लेटाइन बोन। और अगर आपने स्कल पढ़ा होगा, स्कल आपकी समझ में आ गया होगा, तो ये क्या है, ये ऑसिपिटल बोन। ये क्या है, ये फोरामन मैग्मा है, फोरामन मैग्नम है, जिससे स्पाइनल कार्ड बाहर, स्पाइनल कार्ड कहां जाता, बॉडी के अदर पार्ट्स में। ठीक, तो आपको समझ आ गया प्लेटाइन बोन कहां होता, तालू जिसको हम बोलते हैं। अब देखो हम इसको कैसे लर्न रखेंगे, कैसे हम इसको याद रखेंगे। तो याद रखने के लिए सबसे पहली चीज हमको क्या चाहिए, देखो ये हम इसको बहुत इजीली, पहले हम नोज के बोन पढ़ लेते हैं। नोज के बोन कितने होते हैं, 2 आपके हैं नेजल बोन, ये वाले। फिर क्या है, 2 इंफीरियर नेजल कैंका 2 है, और एक कौन सी बोन है, ओमर बोन, ओमर बोन। तो 5 ये हो गए, और 2 मैक्सिला हो गया, 7 हो गया, 1 मैंडिबल हो गया, 8 हो गया, 2 लेक्राइमल बोन हो गए, 10 हो गए। ठीक, जाइगोमेटिक 2 हो गए, 12 हो गए, और प्लेटाइन 2 हो गए 14। अब देखो ओमर क्या है, ओमर एक ट्रायंगुलर शेप की बोन है। ओमर किस शेप की होती है, ट्रायंगुलर शेप की बोन होती है। तो फेशियल बोन हमारे हो गए 14, आप उसको लर्न कर लीजिएगा, बहुत इजी। पहले नोज वाली बोन्स, नोज में कितनी, 5, नेजल बोन 2, इंफीरियर नोजल कैंका 2, ओमर 1, तो 5 बोन ये हो गए। अब हमको चाहिए सिर्फ 9, तो 2 आपके जाइगोमेटिक बोन हो गए, 2 आपके लेक्राइमल बोन हो गए, 2 आपके प्लेटाइन बोन हो गए, 6 ये हो गए। ठीक, 2 मैक्सिला हो गया 8, और 1 मैंडिबल हो गया 9। इस तरह हम इसको याद रखेंगे। देखो मैंडिबल ये मैक्सिला से अटैच्ड नहीं होता, तो फेस वाले बोन हो गए हमारे। अब हम पढ़ेंगे ईयर वाले बोन, ईयर में कौन कौन सी बोन पाई जाती है। तो देखो ईयर में जो बोन पाई जाती है उसके सेट को हम बोलते हैं ईयर ऑसिकल। अगर यह आ जाए कि ईयर ऑसिकल क्या है, तो आप बता देंगे कि जो ईयर में बोन पाई जाती है उसके सेट को हम ईयर ऑसिकल कहते हैं। एक चीज हमको यहां समझ लेना कि ईयर की बोन बाहर से नहीं दिखती है आपको, बाहर से नहीं दिखती, वो सारी बोन अंदर होती है। आप ये ना समझ जाइए कि ये बोन है, आपको बताया था ये कार्टिलेज है। ठीक है, एयर के सारी बोन अंदर पाई जाती है। एयर में कितनी बोन है, 3 बोन्स हैं, माइलस, इनकस, स्टेपस। याद कैसे रखेंगे, MIS। माइलस किस शेप का होता है, ये आप देखें, ये माइलस है, ये किस शेप का है, ये हैमर शेप का होता है, ये हैमर शेप का होता है। ठीक, तो माइलस, उसके बाद आता है इनकस, उसके बाद आता है स्टेप्स। अब देखो स्टेपस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन क्या होती है, स्टेपस। कहां पाई जाती है, ईयर में। ईयर ऑसिकल्स मतलब एक ईयर में कितनी बोन्स हुई, 3, तो 2 ईयर है तो दोनों में कितनी मिली आपको, 6। कभी कभी ऐसे पूछता है कि कितने पेयर ईयर ऑसिकल्स में कितने पेयर बोन पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे 3। पेयर का मतलब 2 को 1 पेयर बोलते हैं। अब देखिए कैसे काम करता है, बाहर से जब कोई सिग्नल आता है यहां से, ईयर ड्रम बोलते हैं इसको, तो ये इस पे स्ट्राइक करता है, ये क्या है, माइलस, तो ये वाइब्रेट करता है, इसका वाइब्रेशन पास होता है इनकस में, फिर इनकस उस वाइब्रेशन को पास करता है स्टेपस में, और स्टेपस उस वाइब्रेशन को। ठीक, तो हम कितने पढ़ चुके, 8 बोन्स क्रेनियम के, 40 बोन्स फेस के, 22 हो गया, और 6 बोन्स पढ़ चुके हैं ईयर ऑसिकल्स के, तो हमारे पास क्या हो गया, 28। अब 1 बोन हमारा घट रहा है, तो उस बोन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं उस बोन को हम क्या बोलते हैं। इस बोन को, एक बोन जो बची है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बोन है, इसको बोलते हैं हायर्ड बोन। कौन सा बोन, हायर्ड बोन। ये पाया कहां जाता है, ये देखिए, ये हायर्ड बोन है, ये रेड कलर का, ये यू शेप की बोन होती है। यू शेप की बोन कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, यू शेप की बोन हायर्ड बोन है, मैंडिबल के नीचे यहां होती, यहां
यहां हाइड बोन होती है। हाइड बोन की एक खासियत है, हाइड बोन की खासियत यह है कि किसी भी बोन से यह अटैच नहीं होती, बाकी सारी बोन किसी ना किसी बोन से जुड़ी हुई हैं, कंबाइंड है, हाइड बोन किसी भी बोन से अटैच नहीं है। तो फिर आप सोच रहे होंगे फिर वो रुकी कैसे है। हाइड बोन लिगामेंट्स और मसल से जुड़ी होती हैं, हमारी टंग उससे जुड़ी होती है, क्योंकि टंग बोन नहीं है, टंग क्या है, बोन नहीं है, इसलिए हम ये कहते हैं कि हाइड बोन किसी भी बोन से जुड़ी नहीं होती। इतनी बात समझ में आई। हाइड बोन करती क्या, हाइड बोन मूवमेंट करती है ऊपर नीचे, अब खिसक थोड़ी जाती है, ठीक है, उसके मूवमेंट से आपके टंग ऊपर नीचे होते हैं। अब दूसरी एक चीज है, नीचे आप देखें लारेंक्स किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉयस बॉक्स, लारेंक्स को बोलते हैं वॉयस बॉक्स। लारेंस ही हमारे आवाज को बनाता है, जिसके लारेंस सही नहीं है उसकी आवाज सही नहीं होगी। अब ये देखो ये क्या होता है, ये एक हेलो पाइप होता है, हेलो पाइप होता है, जिसके थ्रू हम रेस्पायरेशन भी करते हैं, या एयर इसके थ्रू ही लंग्स में जाती है। कहां जाती है, लंग्स में जाती है। आपने देखा होगा जब किसी बंदे को फांसी देनी होती है तो उस कहां लगाते हैं, फंदा यहां लगाते हैं, तो जैसे ही वो लटकता है ये हाइड बोन क्या होती, ब्रेक हो जाती है। तो जैसे ही हाइड बोन ब्रेक हुई, ये पाइप एयर वाली ये चिपक जाती है, या यूं कह लो कि जो एयर सर्कुलेशन है नोज और लंग्स का, यहां से बाहर जाना आना, वो क्या होता है, वो ब्लॉक हो जाता है और बंदे की डेथ हो जाती है, ठीक। तो हाइड बोन के टूटने से क्या होता, ह्यूमन बॉडी की या आदमी की डेथ हो जाती है। तो इतनी हमारी समझ में आ गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में हमने हेड को पढ़ लिया, हेड बोन को पढ़ लिया। हेड बोन कितने होते हैं, 29। अब हेड बोन किसका किसका बना होता है, स्कल का बना होता है, स्कल होता, और क्या है इसमें, ईयर और एक आपका हाइड बोन, ठीक। स्कल में दो हैं, एक क्रेनियम है और दूसरा फेसियल है, दूसरा क्या है, फेसियल। तो अब देखो क्रेनियम में कितना, 8 बोन, फेसियल में कितना, 14, इन दोनों में मिलके हो गया 22। ईयर ऑसिकल्स में 6, 3 और 3, ये हो गया 21। हाइड कितना हो गया, 1, तो सबको ऐड कर लीजिए तो कितना आ गया, 29। तो हमको एक चीज ध्यान रखना है कि जब स्कल पूछेगा तो हम 22 बोन्स बताएंगे, और जब हेड की बात करेगा तो 29 बोन्स बताएंगे, ठीक है। तो अगर कभी कभी इस तरह पूछे कि ऐसी बोन का नाम बताइए जो किसी भी बोन से अटैच्ड नहीं है, तो आप बोलेंगे हाइड। सबसे छोटी बोन, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेपस, पाया कहां जाता, ईयर में, ठीक। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, थाई की बोन है, उसको बोलते हैं फीमर। अब ये सीरियल आप याद रखें, जब बाहर से आप अंदर की ओर जाएंगे एयर में, किसमें, एयर में, कान में, MIS, इसको याद रखें, पहले आपको मिलेगा मेलस, फिर मिलेगा आपको इनकस, फिर आपको मिलेगा स्टेप्स, ये सीरियल है, ठीक। अब अगर इनसाइड से आउटसाइड आप आएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा स्टेपस, ठीक। तो चीजों को बहुत ढंग से पढ़िए कि वो कैसे भी घुमा के पूछे फिर भी आप उसका आंसर दे ले जाएं। अब एक्सियल बोन में जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा बैक बोन, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं रीढ़, उसके बोन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस बोन को पढ़ने के बाद तब हम पढ़ेंगे रिब केज या थोरेसिक केज। देखो चीजें आपको क्यों जरूरी है जाननी, चीजें आपको इसलिए सीरियल से जाननी जरूरी है कि अगर अब आपसे पूछें कि नेजल बोन किस, नेजल बोन ब्रेन बॉक्स के किस बोन से कनेक्ट है, तो आप क्या बताएंगे। देखो नेजल बोन ये क्या है, ये फ्रंट बोन है, ये क्या है, फ्रंटल बोन है, इससे कनेक्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे मैंडिला किससे कनेक्ट है, तो आप बोलेंगे टेम्पोरल बोन से, ईयर के पास जो होती है उससे कनेक्ट है, ठीक। सारी बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं,
तो जब आप सबको जानेंगे तब ना आप समझ पाएंगे कि कौन किससे कनेक्ट है। अगर आप खाली फेसियल बोन पढ़ के भाग जा रहे हैं तब आप नहीं जान पाएंगे जब वो घुमा के पूछेगा, या आपने इतने खाली पढ़ लिया कि ईयर ऑसिकल में या कान में कितनी बोन्स पाई जाती हैं, आपकी समझ में आया सिक्स। अब अगर वो कह रहा ईयर ऑसिकल्स में तो सिक्स बोलेंगे, ईयर ऑसिकल में वन बोलेंगे, थ्री बोलेंगे। अब उसने सीक्वेंस दे दिया कि सबसे पहले क्या होता, बाहर से अगर अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, एम आई एस, आप याद रखें, एमएलएस, इनकस और स्टेपस, ठीक। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्टेपस, लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर।